तो हेलो गाइज, व्हाट्सअप एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो गाइज। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा कॉमन प्रॉब्लम बताने वाला हूँ जो कि है काइन मास्टर रिलेटेड। जो यार, चलो एक बात बताता हूँ मैं कि इसके अंदर आपको छोटा पुराना फ़ोन भी हो ना, लो एंड डिवाइस का, उसके अंदर अगर अनसपोर्टेड फाइल फॉर्मेट आया तो वो अलग बात है भाई, फ़ोन सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन जब आपको हाई एंड डिवाइस आपके पास होता है K50i जैसा, उसके अंदर भी सेम प्रॉब्लम आता है। तो आज मैं उसी चीज़ का एक अच्छा खासा फिक्स लेके आया हूँ। चलो यार, आज के वीडियो में आपको बताता हूँ यार उसका फिक्स क्या है। और यार, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो गाइस। तो चलो यार, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार, मैं तुमको एग्जांपल बताता हूँ हो क्या रहा है यहाँ पे। तो भैया चलो यार, यहाँ से वीडियो को अपन लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेयर को जाने के बाद नज़र अंदर यहाँ पे मेरा ग्रीन स्क्रीन का एक फोल्डर होता है, वो कहाँ पे रखा है, तो ये रहा मेरा फोल्डर। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको लाइक शेयर एंड बेल आइकन, ये वाले दबाता हूँ मैं, अनसपोर्टेड फाइल फॉर्मेट आता है। तो यार देखो, इसको मैं कैसे फ़िक्स करता हूँ। देखो, सिंपल सी बात है यार, सिंपल सा फिक्स है यार। जब तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को और शेयर कर दो वीडियो को। तो यार, मेरा फोल्डर अंदर जाता हूँ मैं ग्रीन स्क्रीन, अब देख सकते हो भाई ये मेरा फाइल ये कहाँ गया, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो हाँ, तो यही रहा, यही है ना वीडियो, देख लेते एक बार। हाँ तो हाँ, यही मेरा वीडियो है। तो अब इसको यार देखो, इसके अंदर अब मैं काइनमास्टर वापस जाता हूँ, आप लोगों को सबसे एक बार चेकअप करा देता हूँ कि देखो यार प्रॉब्लम ये है। चलो ओके यार, तो चलो अभी आप लोगों को मैं फिक्स बताता हूँ, सिंपल सा एक अच्छा खासा फिक्स है। हाई एंड डिवाइस में भी, आप लो एंड डिवाइस में भी, MIUI यूज़र्स के लिए, बाकी EMUI यूज़र्स के लिए तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता ही नहीं है। पहले तो यार हो सकता है काइनमास्टर में एक नया अपडेट आ गया हो जिस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको करना क्या है यार, मैं बताता हूँ आप लोग को। तो यहाँ पर सिंपल से कुछ भी नहीं करना है, आपको फाइल को सेलेक्ट करना है और आपको इसको रीनेम कर देना है। जहाँ पे लिखा है आपको सब्सक्राइब, बेल आइकन, ये वगैरह वगैरह लंबा होता है ना, उसको कुछ शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करके लिखना है जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब, जो भी आपका वीडियो एक दो लाइन में खत्म हो जाना चाहिए, .mp4 जैसा है वैसे सेव कर देना चाहिए। उसके बाद आपको वापस से काइनमास्टर में आ जाएंगे। और ये गाइस देखो, ओपन हो गया अपना काइनमास्टर। यहाँ पे कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लो, अनसपोर्टेड फाइल फॉर्मेट बिल्कुल भी नहीं बताएगा। देखो, सिंपल से ऐसा दबाते ही ओपन हो जाएगा। तो यही था गाइस, यही था सिंपल फिक्स जो आपको इजीली, मतलब ये तो एक ऐसा ही हाईलाइट है यार, मतलब ये तो कोई बताता ही नहीं है। मतलब मैं खुद भी ढूंढ के परेशान हो गया था, बाद में देखा ट्राई करा, खुद का ही ट्राई करके खुद का एक नया एक मतलब मेरे को मतलब ट्रिक काम कर गई। उसके बाद मैं सोचा कि चलो भाई वीडियो बताते किसी को मतलब सपोर्ट हो जाएगा, वीडियो बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। बहुत बार ये हो रहा है भाई, मेरे को लग रहा था काइनमास्टर ही गड़बड़ है या फ़ोन में ही गड़बड़ है MIUI में, क्योंकि फ़ोन तो बहुत अच्छा खासा है गाइस, फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यार, मैं आप लोग बता रहा हूँ, देखो मैं कैसे एडिट करता हूँ वीडियो, दिख रहा है ये आपका लेटेस्ट वीडियो, अभी जस्ट ये वीडियो अपलोड करूँगा ना, उसके पहले का वीडियो ये है, इसको अपलोड किया था मैंने। लेकिन इसके अंदर काइनमास्टर के अंदर एक ही प्रॉब्लम है, मतलब MIUI में एक ही प्रॉब्लम है, एडिटिंग के लिए उतना अच्छा नहीं है। EMUI एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा है, मैं पहले मेरे ऑनर प्ले में एडिट करता था वीडियो, बहुत अच्छा था वो, क्योंकि उसके अंदर आप 1 से 4 भी लेयर डाल देना सेम क्वालिटी वाले, तो उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं। तो गाइस यार, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट कर देना यार, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। सी यू अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस।